अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अरे वो पूजा जल्दी जल्दी चला जल्दी जल्दी अरे हल्लू हल्लू रे उछलिंगा देख के आज वसीम रजवी का पुतला जलाया गया। हैदराबाद की मशहूर जो हमारे निजाम सरकार बनाए थे ऐसे गंदे लोगों के लिए हम आज उसको जलाकर अभी वसीम रजवी का पुतला जलाकर अभी उसके राख को, ये मूसा नदी का गंदा पानी है, ये मूसा नदी का पानी पूरे लोग पूरे हमारे हैदराबाद की जितनी भी आवाम है पूरी टॉयलेटा बाथरूम ये सोप करती जो गंदगी, वो गंदगी में आज इसकी मुंडी और इसकी राख को बाहर अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद समी सोशल एक्टिविस्ट भादरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया। आज मेरे तकरीबन भाई मौजूद है मेरे साथ जो मेरे करीबी है, बहुत अजीज़ मेरे भाई लोग। आज वसीम रजवी जो मलून वसीम रजवी है, एक आतंकवादी, एक मलून जिसको कहते हैं, बहुत सारे अल्फाज है इसके लिए बोलने में, इतनी आँख लगी हुई है मेरे पास में मैं बता नहीं सकता हूँ। आज इसका पुतला मूसा नदी हैदराबाद शहर की बहुत ही बहुत मशहूर नदी है जो मूसा नदी कहा जाता, आज ये वसीम रजवी का हम लोग यहाँ पर गंदे पानी में पुतला जला, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जलाने का मकसद क्या है आपका? हम ये एक मैसेज देना चाह रहे कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि गंदगी को सिर्फ और सिर्फ सिर्फ गंदगी में बहा सकते, हमारी पाक साफ जमीन पर ये वसीम रजवी को ना जला सकते ना हम दफना सकते, इसलिए आज हम लोग ये डिसाइड करें कि वसीम रजवी मलून वसीम रजवी जो गुस्ताखी करा है हमारे नबी की शान में, जो कुरान शरीफ की शान में, ये बहुत ही बगबरताना हरकत है, ये बहुत ही बहुत गलत हरकत है, क्योंकि हम सारे मुसलमान, जितने भी सारे मुसलमान हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान को इसके खिलाफ उठकर खड़े होना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में एक FIR होना चाहिए, हर बस्ती में से एक पुतला जलाना चाहिए, वसीम रजवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम आज नौजवान ये मैसेज देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को वसीम रजवी जो मलून वसीम रजवी है उसको हमारी पाक साफ जमीन पर ना दफनाने की इजाज़त है ना तो उसको रहने की इजाज़त है, सिर्फ और सिर्फ उसको वाजिब कत्ल है और उसका कत्ल करना चाहिए और ऐसे उसको जिंदा जलाना चाहिए। मेरे हाथ को मिल गया तो जिंदा जला देता हूँ मैं इसको। ये आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये जब तक
हुकूमत ये इंडिया की गवर्नमेंट मोदी सरकार जब तक उसको पकड़कर जेल में नहीं डालेंगी, जेल में डालना हमारा मकसद नहीं है, उसको फांसी देना हमारा मकसद है। क्योंकि किसी भी मजहब के खिलाफ किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है, चाहे वो कौन सा भी मजहब रहे। कहीं मेरे दोस्त हिंदू है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई है, हम उसके मजहब के आगे नहीं जाते। हमारा इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि हम किसी के मजहब के आगे जाए, हम किसी की मजहब की जो है सो तौहीन करें, उसके मजहब के खिलाफ बोले। क्योंकि ना हमारा इस्लाम सिखाता, ना हम खुद एक पार्टिकुलर, हम लोग सेकुलर हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब सेकुलर है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है। तो इसके खिलाफ हर किसी को खड़े होने की ज़रूरत है। और वो नरसिंह आनंद सरस्वती, उसको भी ये चुनौती देता हूँ, तू जब तक उसको साथ रखेगा तेरी भी ऐसी मौत होगी, तू तो जलने वाला है और तेरे को जलाने के बाद तेरी भी राख को ऐसी